Very good point. Now, Sri Rajiv Shukla, only 5 minutes. तो उनका 8 मिनट हमें 5 मिनट नो नो 8 मिनट उनका टाइम है नो नो थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर 5 मिनट्स 5 नो नो 5 मिनट्स में काम हो जाएगा चेयरमैन तो बैठ ही लग जाएंगे ओनली 5 मिनट नरेश जी ने जो ये मुद्दा उठाया है अपने अल्पकाल चर्चा के दौरान ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है देख सिर्फ दिल्ली का प्रदूषण नहीं है अगर आपने देखा हो लखनऊ वर्स्ट दिल्ली से बुरा लखनऊ का हाल था कानपुर का बुरा हाल था पटना का बुरा हाल था ये पूरे उत्तर भारत की समस्या बन गया इसलिए सिर्फ ये दिल्ली का प्रदूषण नहीं रह गया और कारण आज तक किसी को पता नहीं पहले बताया गया कि पराली कारण थे अब पराली इधर तो नहीं है फिर क्यों पोल्यूशन है वो तो जलना बंद हो गया तो ये समझ में किसी को अभी तक नहीं आ पाया है कि वायु प्रदूषण क्या है क्यों है इसका मेरे ख्याल से मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए इससे दुनिया भर में बदनामी है और उसका सबसे बड़ा नुकसान टूरिज्म का है हम अरबों डॉलर जो है नुकसान हो रहा है टूरिज्म का क्योंकि एडवाइजरी इशू हो जाती है कि आपको इंडिया नहीं जाना है वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है दिल्ली में तो इसलिए जो है उससे हमारा बहुत नुकसान दूसरी तरह से होता है बहुत से लोग नहीं आते एयरलाइंस का नुकसान तमाम ट्रेड कमर्शियल उसका सबका नुकसान होता है इसलिए बड़ा चिंता का विषय है एम्बेसडर्स की उसमें जाइए मिलिए किस तरह की आलोचना करते तो ये जो है हाल है इसके लिए हमें बहुत आपात स्थिति वाले जो है कदम उठाने चाहिए और उसके लिए मेरे ख्याल से जो है सबसे बड़ी 4-5 सुझाव मैं मंत्री जी को देना चाहता हूँ यहाँ पे वित्त मंत्री जी नहीं है मुझे लगता है कि सब जगह अगर इन सारे शहरों में तो डिप्टी चेयरमैन साहब सबसे जो है जो ये व्हीकल है ना पोल्यूशन ऑफ व्हीकल्स ये हर जगह है क्योंकि जिस आदमी घर पे एक कार होती था 4 कार हो गई जिस लड़के की तनख्वाह 30,000 होती है EMI देकर कार खरीद लेता अब ना कोई पहले जो हम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पे चलते थे स्कूटर मोटरसाइकिल मतलब 2-व्हीलर्स पे कोई चलता ही नहीं डायरेक्ट कार पे तो इतनी कारों का पोल्यूशन है और उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता चला जा रहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तो सिंगापुर में जब इस तरह का पोल्यूशन हुआ था और जो ये ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने वहाँ पे कारों के दाम खासतौर से बड़ी कारों के दाम बहुत बढ़ाए थे तो वित्त मंत्री को मेरा सुझाव है कि आप छोटे व्हीकल्स को तो प्रायोरिटी दें और उनको कंसेशन दें लेकिन जो कारों के दाम है बड़ी बड़ी कारों उनके दाम में कम से कम 20 गुना इजाफा करना चाहिए तब लोग मानेंगे अगर एक कार 50 लाख से ऊपर की मिलेगी तब जाके लोग जो है कि चलना शुरू करेगा वो पैसा जो इससे जनरेट हो वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाइए उसको जो है अच्छी अच्छी बसें हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी ये ट्रेन लोकल ट्रेन का मेट्रो ट्रेन के उस पैसे को उधर डाइवर्ट करिए तो जो है ये कारों पे टैक्स जो है कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए दूसरा ये जो इन्होंने ट्रकों की आवाजाही है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि सिर्फ वही ट्रक आ पाएंगे जो दिल्ली में सिर्फ माल लाते बाकी जो दो ट्रक पास थ्रू डेली दे शुड नॉट बी अलाउड उनके लिए बाहर का रूट देना चाहिए पहले कुछ दिन चला फिर उधर से जाने लगे जब देखो सारे ट्रक दिल्ली से रात में हजारों ट्रक दिल्ली होके जाता सारा पोल्यूशन छोड़ के जाता तो ट्रकों का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड तीसरी चीज जो है ये पर्ली वाला जो सुझाव दिया था मुझे पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने मुझे भी इस पे बताया था ब्रीफ किया था सरकार को मुश्किल से 1600 करोड़ का खर्चा आता है इतना तो हमारे उससे दुगना तो टूरिज्म पर नुकसान हो जाता है 1600 करोड़ अगर वहाँ का कॉम्पनसेशन पंजाब हरियाणा के किसानों को मिल जाए तो ये पर्ली की समस्या खत्म हो जाए वहाँ पर जो 100 इंडेक्स जो है जिसकी वजह से यहाँ दिल्ली में आता है वो तुरंत कम हो जाएगा तो 1600 करोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है अगर उसमें केंद्र सरकार मदद करे उन्होंने मना कर दिया था जो पंजाब चीफ मिनिस्टर का प्रपोजल था तो उससे आपकी पराली की समस्या भी हल हो जाती है और किसानों की मदद भी हो जाती तो इस पर भी विचार किया जाए चौथा ये कि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसका पैसा बहुत इकट्ठा होता है समोसा खाने जाओ चाय पीने जाओ रेस्टोरेंट जाओ सब जगह स्वच्छ भारत शुल्क लगता जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है पता नहीं स्वच्छ भारत का पैसा कहाँ लग रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है तो उस पैसे को डाइवर्ट करके इन सब चीज़ों पे लगाया जाए सीवेज प्लांट के लिए है डस्टबिन पे ग्रीन ब्रिगेड ये सब बनाई जाए और नदियों के साफ करने पे और वो जगह जगह जो सफाई की जाए वो दिखाया जाए इसलिए उस पर अभी तो पता चला कि उसका 25% पैसे का पता नहीं कि कहाँ चला गया जो मीडिया कमेंट ले रहा तो स्वच्छ भारत वाले पे पांचवी चीज जो है कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ये बड़ी चीज हो रही है कि गांव के लोग शहरों में आ रहे शहरों का वो बढ़ता चला जा रहा है इतनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है कि उसकी वजह से फिर ये स्वाभाविक है कि पोल्यूशन हो तो उसके लिए एक ही तरीका है कि या तो एक्सपेंड करिए जैसे बॉम्बे तो एक्सपेंड नहीं हो सकता दिल्ली सेटेलाइट टाउन्स में नए ऑफिस खोलने की इजाजत ही मत दीजिए दिल्ली में वो जाके खोले ग्रेटर नोएडा में वो जाके खोले गुड़गांव के आगे वो जाके खोले फरीदाबाद के आगे वहाँ पे
तो ये एक्सपेंड कर दीजिए तो उससे क्या पॉपुलेशन जब स्प्रेड हो जाएगी तो उससे जो एक जो कंसंट्रेशन हो रहा था सब शहरों में, चाहे वो लखनऊ हो चाहे कानपुर चाहे पटना हो चाहे बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो, वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और उससे जो है लोगों को आसानी रहेगी। तो नए ऑफिस खोलने की इजाज़त नहीं चाहिए, गाँव में सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए। जैसे पंजाब में क्या आराम है कि गाँव का आदमी, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति होते थे, उनका कभी चंडीगढ़ में मकान ही नहीं रहा। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, उनके पास जाता था जनरल, उनका जी जरूरत क्या बेटे, जब गांव में सड़क है, गांव में बिजली आ रही, गांव में टीवी देख लेते हैं, गांव में कूलर भी घर में लगा, एसी भी लगा, तो मैं शहर में जाके क्यों रहूं। ये सुविधाएं बाकी जगह नहीं है यूपी बिहार मध्य प्रदेश के गाँव में, कि एसी भी गाँव में चल रहा हो, टीवी भी गाँव में देख रहे हो, सड़क सब चीज़ सुविधा गाँव में। तो ये अगर गाँव में हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें तो गाँव से शहरों का पलायन बंद हो जाए और लोगों को वहीं इन सब चीज़ों से रोजगार की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो गाँव के विकास से भी, इसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी, ये बड़ा लार्ज स्केल 1970 में प्लानिंग कमीशन महिंद्रा जी का नोट है कि इस पर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव होना चाहिए इन्वायरमेंट में। तो अगर वो जो है आप उसको पूरे सब कई, सिर्फ जो है हर्षवर्धन जी की मिनिस्ट्री का मामला नहीं है, सब तरह से मिलके करें तभी ये काम हो सकता है। अगर आप इस भरोसे में कि एनजीटी कर देगा, तो एनजीटी तो आज की तारीख में पुलिस इंस्पेक्टर है, दे आर ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ पुलिसिंग द एनवायरनमेंट, नथिंग एल्स। इसलिए जो है उनका इस रोक दो वो रोक दे, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। देयर हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एज सजेस्टेड बाई मिसेज गांधी 1970 टू प्लानिंग कमीशन। तो मुझे लगता है इसमें बना के कई मंत्रालयों को करके ये जो 5-6 मैंने सुझाव दिए, अगर उन पर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण की समस्या से मुकाबला कर सकेंगे। धन्यवाद। मेरा भाषण बिल्कुल जो आपने टाइम दिया तो इसी में समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विजय साई रेड्डी।